हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे से लगभग 25 किलोमीटर दूर सासवड के करीब। सासवड नाम का एक छोटा सा गांव है, उसके पास में यहाँ पे एक पिछले एक साल से जो सुजीत जरांडे सर है, इन्होंने कार वर्कशॉप, कार गैरेज का स्टार्टअप चालू किया है। इनकी उम्र सिर्फ 22 साल है, पर दोस्तों इनके गैरेज में इतनी भीड़ होती है कि यहाँ रुकने को टाइम नहीं है। इनके पास 7 लड़के काम कर रहे हैं, गाड़ियों की लाइन खड़ी है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि गैरेज में बहुत कंपटीशन है, गैरेज चलना मुश्किल है, पर इन्होंने बहुत कम उम्र में इतने सफलतापूर्वक गैरेज चला रहे हैं, किराए की दुकान पर आज अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम सर से गैरेज के बिज़नेस के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे आप कार गैरेज शुरू कर सकते हैं, कैसे आप इसमें सफल हो सकते हैं, कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के स्टूडियो के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, हमारे जो देश के जो नवयुवक हैं, ये अभी क्योंकि कोरोना की वजह से नौकरियां नहीं है, तो छोटा बड़ा गैरेज शुरू करना चाहते, गाड़ी का काम सीखना चाहते, तो सर हम थोड़ी जानकारी लेंगे इस बिज़नेस के बारे में, चलेगा ना सर? चलेगा। सर, लगभग कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? अभी 2012 से काम कर रहे हैं मैं। अच्छा, 8-9 साल हो गए इसमें। 8-9 साल हो गए। तो पहले आप कहीं पे सीख रहे? काम सीखने के लिए था मैं। अच्छा, दूसरे गैरेज में। पहला मेरे को पगार वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था, खाली 20 रुपये था। 20 रुपये दिन का? 20 रुपये पगार था दिन का, 20 रुपये गाड़ी भाड़ा जाने के लिए। अच्छा, जाने के लिए पगार तो नहीं था। पगार तो था 4-5 महीने नहीं था। पहले 5 महीने आपको कोई पगार नहीं था, सिर्फ 20 रुपये आने जाने का मिलने। फिर और अभी आपका ये जो काफ़ी बड़ा गैरेज चालू किया है, कहाँ अभी ये कब चालू किया आपने? अभी 8-9 महीने हो गए। सर, अगर हमारे देश का नवयुवक पूरी लगन से, मेहनत से अगर गैरेज का काम सीखना चाहते हैं, तो सर कितना वक्त लगेगा काम सीखने के लिए? कम से कम 3-4 साल। 3-4 साल कम से कम। बराबर, क्योंकि हर रोज गाड़ी, एक गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं आता, अलग अलग प्रॉब्लम आता है। बराबर, गैरेज तो कोई भी डाल सकता है, प्रॉब्लम तो निकलना मांगता है ना, कस्टमर का निकलना मांगता है। बराबर। और अभी यहाँ पे आप कौन सी गाड़ियों का काम कर रहे हैं? सब टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, सब अशोक लेलैंड दोस्त। सर, आपके तरह अगर कोई गैरेज शुरू करना चाहते हैं, तो सर इसमें जैसे सभी गाड़ियों के गाड़ियाँ खोलने के लिए टूल्स क्या क्या लगते हैं, और उसमें इन्वेस्टमेंट कितने लगती है? इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत, खाली टूल्स बाकी खाली टूल्स लगते हैं, टूल्स काम करने के लिए। तो टूल्स का कितना खर्चा लगेगा, मतलब कितना? कम से कम 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार में सभी टूल्स आते हैं? सभी। तो उसमें सभी गाड़ियों का पानी, जैक, ब्रेक, सब सब आ जाता है उसमें? सब। तो कोई भी अगर शुरुआत करना चाहता है तो 50 हज़ार के टूल्स के साथ मतलब काम कर शुरुआत सकता कर सकते हैं। और सर, बाकी इन्वेस्टमेंट जैसे आपने स्पेयर पार्ट्स रखे हैं, ऑयल के वगैरह डब्बे रखे हैं, तो ये पूरी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितना है इन्वेस्टमेंट? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये। तो आपने ये जो शुरुआत की तो 10 लाख रुपये के साथ? मेरे पास नहीं थे सब 10 लाख रुपये। अच्छा, तो आपने कैसे? मैंने काम करके सब खड़ा कर दिया। अच्छा, मतलब आप जो दूसरे जगह पे काम करते थे उधर का कोई नहीं, फिर इधर का सब? अच्छा, शुरू में खाली मैंने टूल्स लगाया था बस, खाली 50 हज़ार। 50 हज़ार के टूल्स लगाए थे, सब इधर मैंने काम करके सब कमाया था इधर। अच्छा, तो टूल्स लाए, फिर इसके बाद जो आपके ग्राहक गाड़ी आई उसमें जो पैसा मिला वो पैसा आपने दुकान में डाला? दुकान में खर्च किया। बराबर, तो 50 हज़ार, 10 महीने पहले 50 हज़ार का माल था, अभी लगभग 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये कमा लिया। सर, अभी आपके दुकान में मैंने देखा ये काफ़ी स्पेयर पार्ट रखे हुए हैं, ये क्या क्या है, मटेरियल क्या है सर? सब गाड़ी का मटेरियल, ब्रेक पैड, लाइनर, सब ऑयल है, बेल्ट है, सब गाड़ी का सब है। बराबर, तो यहाँ पे आपके मतलब जो ज़्यादा मात्रा में लगते हैं ब्रेक पैड, रनिंग आइटम सब है उसमें? रनिंग आइटम। क्या होता है मालूम है कि ये सब मटेरियल रखने की वजह से कस्टमर को इधर उधर भागना नहीं पड़ता। बराबर, काम किया तो काम के लिए गाड़ी छोड़ी। बराबर, इधर उधर जाना नहीं पड़ता, कस्टमर के आगे काम है ना वो। तो ये सब सामान रखना जरूरी है? जरूरी है। अभी इसमें जैसे ये जो रनिंग पार्ट आपने रखा, अभी हमारे इधर गांव में बहुत दुकान है इधर। अच्छा, तो इधर क्या करते मालूम है क्या, उस कस्टमर आया तो उसको खोल देते गाड़ी और उसको बोलते जाओ ये लेके आओ, तो कस्टमर के कहाँ से लेके आएगा? बराबर, जिम्मेदारी नहीं लेते। जिम्मेदारी लेते नहीं? बराबर, अपन अपना गाड़ी का जिम्मेदारी लेते ना काम का। तो इसका सेल कितना होता है, जैसे इसमें मार्जिन कितना मिलता है और महीने में कितना सेल होता है? कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, 10% देता है दुकान वाला। अच्छा, 10% मिलता है। सर, अगर हमारा नवयुवक अगर कोई नया गैरेज शुरू करना चाहता है तो सर उसके लिए सबसे अच्छा लोकेशन कौन जगह? कोई लेना देना नहीं, अभी सासवड में इधर 60-70 गैरेज है। अच्छा, इसमें? बराबर, अभी इसमें टॉप में आप नहीं, 60-70 गैरेज है, पर आप सबसे आगे हो। सर, आपने जब शुरुआत की थी तो आपके पास कितने लोग थे काम करने? अभी मेरे पास, अभी जब मैंने दुकान डाला था और मैं खुद था। बराबर, मेरा एक दोस्त था। अच्छा, 2 जन थे? अभी 7 जन है। अभी 1-2 हफ्ते काम करते हैं लड़के लोग। अच्छा, फिर छोड़ देते हैं, उसको लगता है बहुत दिक्कत है इसमें, बहुत काम है। अच्छा, आप उनके बस की बात नहीं है, छोड़ देते हैं। मतलब काम देखते, मेहनत देख के वो छोड़ देते हैं। हाँ,
बराबर। तो ये काम में मेहनत बहुत है। बहुत है मेहनत, मेहनत भी बहुत है, पैसा भी बहुत है। पैसा भी बहुत है सर। अभी अभी आपके गैरेज आपने 10 महीने में सेट किया है, इतना भीड़ हो रही है आपके पास, तो क्या वजह है आपका इतना चलता है? एक्सपीरियंस है ना मेरे को। अच्छा, एक्सपीरियंस तो सबके पास है, मतलब जो लोग गैरेज चला रहे हैं सभी के पास एक्सपीरियंस होता है, पर आपके पास क्यों भीड़ हुई? अभी मेरा बोलने का स्टाइल है। अच्छा, बोलने पे सब है ना। आपके लोगों से पैसा कम लेते हो? कम ले, मैं ज़्यादा नहीं लेने का। अच्छा, उतना ही अपना सबसे उतना ही। मेरा क्या है मालूम है क्या, जब गाड़ी का प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट प्रॉब्लम निकलने का, आपको प्रॉब्लम उसको बोलने का नहीं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये डाल के देखो, वो डाल के देखो, इसके वजह से क्या होता है, वो कस्टमर का पैसा जाता है। अच्छा, तो मेन जो प्रॉब्लम है वही 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 निकल के देने का, खाली उसका फ्यूज गया होगा, वायर टूटा होगा, उस डायरेक्ट जोड़ने का, उसको बोलने का वायर टूटा था। अच्छा, मतलब लोगों को फंसाने का नहीं? फंसाने का नहीं, कुछ लोग मतलब इसकी वजह से मैंने खुद का गैरेज डाला है, खाली लोगों को फंसाने का नहीं बस। ऐसा आदमी लोग काम कर दे उसका, खाली वायरिंग टूटा हुआ तो जोड़ते और बोलते वो सेंसर डाला, वो सेंसर डाला, इसकी वजह क्या होता है, अभी गाड़ी वाले ज़्यादा पैसा वाला नहीं होते, उसका पेट पाल सब गाड़ी में रहता है, सब गाड़ी का भाड़ा मिलता है, उसमें से कितना खर्चा करेगा वो और कितना गाड़ी करेगा अपने आप में ना, आपने उसको सेंसर डाला, ये डाला, वो डाला, तो वो क्या करेगा, खर्चा करेगा, फिर घर पर क्या लेके जाएगा, ऐसा है ना। तो आप इन गरीब लोगों के बारे में सोच के आप काम करते हैं? काम नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, बराबर, काम आया तो छोड़ने का। सर अभी आपका थोड़ा एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा, ऐसे एक दिन में कितने गाड़ियों की सर्विसिंग वगैरह हो सकती है? अभी इसमें बहुत गाड़ी सर्विसिंग करते हैं, बराबर, 10 से 12 तक एक दिन में, 10 से 12 दिन में अकेला, बराबर, आप अकेले कर सकते हो? क्लच पे 4-5 गाड़ी। अच्छा सर, अगर कोई नया गैरेज शुरू करना चाहता है तो सर किराया लगभग कितना होना चाहिए उसमें? किराया नहीं, क्या मतलब भाड़ा? भाड़ा महीने का भाड़ा कितना होना चाहिए दुकान पे? क्या दुकान का? हाँ, 10,000-12,000। अभी मेरे को 15,000 रुपये भाड़ा इधर। अभी यहाँ पे 15,000 भाड़ा है। अभी मेरे का 1,00,000 रुपये मेंटेनेंस ही होता है एक महीने का। एक महीने जैसे 15,000, 7 लाख लड़के, 7 लड़के, 7 लड़के, लाइट बिल है, दुकान का भाड़ा है, खर्चा है। इसमें अगर प्रॉफिट देखा जाए, जैसे एक गाड़ी का सर्विसिंग का कॉस्ट कितना आता है? 3,500-4,000 रुपये। 3,500-4,000 रुपये, तो उसमें ब्रेक पैड लाइनर डाला तो, सस्पेंशन का काम किया तो 8,000-10,000 बिल होता है, क्लच पैड डाला तो 7-8 हज़ार होता है। तो ये 4,000 में दुकानदार का प्रॉफिट कितना होता है इसमें? इसमें कोई नहीं, अपना मजूरी है इधर का 400-500 रुपये अपना खुद का मजूरी। अच्छा, मटेरियल का 500-4,500, 1,000 रुपये गाड़ी पे छूटता है। अच्छा, अभी सर मैंने देखा आपके यहाँ ऑयल के वगैरह आपने डब्बे रखे हैं, तो ये कौन सा ऑयल है? गल्फ ऑयल। अभी ड्रम में आता है 210 लीटर। अच्छा, इसमें आता है 7 लीटर। बराबर, तो ड्रम आपने कहा ये है ना, बराबर, ऑयल बिल निकलने के लिए वजह से अच्छे हो। और ये ड्रम का दाम कितने तक जाता है? ड्रम का अभी 48,000-50,000। 48,000-50,000 रुपये ड्रम। तो ये ऑयल का ऐसा ड्रम लेना जरूरी है? मतलब ऐसा लेना जरूरी है, अच्छे हो अपने को, अच्छा है ना वो। तो वो कैसा लीटर पड़ता है? कौन सा वो? 280 रुपये कस्टमर को। कस्टमर को, और अपने को कैसा पड़ता है? अपने को 280 रुपये। तो उसमें एक लीटर के पीछे 30-40 रुपये मिल जाए। हाँ, क्या मालूम है क्या, ये मैकेनिक लाइन में कोई पड़ता नहीं लड़का लोग, उसको लगता है काला हाथ करने का, वो करने का, मतलब लोग इसमें अभी आना पसंद नहीं करते, नहीं करते, उसको लगता है काले हाथ करने का कोई ज़रूरत नहीं, वो काला आते हो कीचड़ में काम करने का, मट्टी में काम करने का है, बराबर, ऐसा थोड़े हम, बराबर, भले ही ये हाथ काला होता है पर पैसा भी वैसा उसमें शुरू एक दो साल में अभी बहुत बड़ा डालने वाला है इंडस्ट्री को, बहुत बड़ा करने वाला। क्या क्या करने वाला? सब उसमें, सब गाड़ी खाली छोड़ने का बस। अच्छा, सब सर्विसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, सब सब क्या होता है मालूम है क्या, अभी मैंने कस्टमर को बोला तुमको ये डालना पड़ेगा, कस्टमर अभी होशियार है तो वो बोलता है चलेगा करेगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं, वो दूसरे के पास गया, दूसरे ने उसका प्रॉब्लम निकाला, वो क्या बोलता है ये देखो वायर टूटा बोले जोड़ा गाड़ी चलो हो गया, तो वो क्या गाड़ी वाला क्या बोलेगा अला वो ज़्यादा पैसा लेते हैं, कोई भी बोलता है ऐसा नहीं करने का, इसकी वजह से क्या होता है नाम खराब होता है, नाम खराब होता है। तो दोस्तों जैसा सर कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप कार के गैरेज शुरू करते हैं तो कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वही सॉल्व कीजिए, कस्टमर का खर्चा मत बढ़ाइए। अभी कितने साल है मेरे दोस्त 20 लोग बहुत थे इसमें, उसमें मेरे साथ काम करने के लिए थे, उसमें गैरेज डाला चलता नहीं, तभी उसके क्या है, क्या क्या वजह है, क्या क्यों नहीं चला उनके उसमें बात नहीं ना हो, क्यों क्या बोलते नहीं हो? अच्छा, ऐसा नहीं वो फिट नहीं ना हो। अच्छा, थोड़ा सा काम सीख गया तो गैरेज डालते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा सीख के आधा जानकारी लेके गैरेज चालू कर दे। हाँ, तो उसके वजह से क्या होता है वो नाम खराब होता है ना, नाम खराब, एक बार खराब हो गया कस्टमर ने देखा उसको नहीं आता, तो अगली बार नहीं ना जाता उधर, वो दो आदमी को बोलता है उधर मत जाओ, वो नहीं आए। तो आपके हिसाब से पूरा काम सीखने के बाद में गैरेज चालू करना चाहिए? हाँ, 3 से 4 साल। और सर अगर गैरेज अच्छा चला तो एक महीने में कितना पैसा मिल सकता है?
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 1 से 2 लाख रुपए, 1 से 2 लाख रुपए महीने का मिल सकता है, महीने का मिल सकता है सब खर्चे जाके, सब खर्चे जाके। अभी आपका भी उतना हो रहा है? अभी क्या है मालूम है क्या, दोनों हिसाब से अपन को पैसा मिलता है ना। बराबर। काला ऑयल का भी मिलता है, काला ऑयल का भी मिलता है, उसका कितना पैसा मिलता है? क्यों नहीं, ड्रम का 7-8 हज़ार, 7 से 8 हज़ार में ड्रम जाता है। बराबर। और उसमें भी जो नया ऑयल है उसमें भी लीटर के पीछे 30-40 रुपये मिलते हैं, तो आपका भी अभी 1 से 2 लाख रुपये का लेवल हो रहा है महीने का। और दोस्तों अभी हम सर के दुकान का छोटा सा टूर करेंगे, सर ने दुकान में कैसे पार्ट्स लगाए हैं, कैसे कैसे दुकान बनाए हैं वो आपको दिखे। एक क्लच पैड। अच्छा, क्लच पैड रखा है। क्लच बेयरिंग। अच्छा, ब्रेक पैड। ब्रेक पैड, ये ब्रेक पैड है, ये भी ब्रेक पैड है। और ये एलाइनर, ये सब सस्पेंशन का मटेरियल है। अच्छा, और ये ऊपर वाटर पंप। वाटर पंप रखा है। वाटर पंप, ये सब बेयरिंग, सब गाड़ी का बेयरिंग, ये सब गाड़ियों का बेयरिंग रखा है। ये फैन बेल्ट। ये फैन बेल्ट है। ये बॉल जॉइंट, ये सस्पेंशन का किट सब। बराबर, सस्पेंशन का किट है। हां, वो साइड वो एयर फिल्टर। अच्छा, एयर फिल्टर। एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर। तो जो आइटम ज्यादा मात्रा में लगते हैं, रनिंग आइटम, रनिंग आइटम आपने रखे। ऑयल का ड्रम। ऑयल का ड्रम है। तो ये डीजल का है कि पेट्रोल का है? दोनों गाड़ी का चलता है। दोनों गाड़ी का चलता है। सिंथेटिक है, फुल सिंथेटिक। ये फुल्ली सिंथेटिक है। अच्छा सर, अभी ये कंप्रेसर आपने रखा है, ये लगभग कितने में आता है? 51,000। 51,000? 50,000। 50,000 को आता है। और इसका क्या काम, ये क्यों लगता है? मशीन कंप्रेसर, हवा। हवा, एयर का काम करते हो? मतलब गाड़ी में हवा भरने के लिए? नहीं नहीं, एयर फिल्टर को हवा मारने के लिए, इंजन क्लीन करने के लिए, मशीन से नट खोलने के लिए। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए ये लगता है, ये 50,000 में आता है। और ये कौन सा ड्रम है? काला ऑयल का ड्रम है। काला ऑयल का ड्रम, मतलब जो ऑयल सर्विसिंग किया वो ऑयल डालने का उसमें। अच्छा, तो ये ऑयल का ड्रम 7 से 8 हज़ार रुपये इसका मिल जाता है। बराबर। तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने गैरेज शुरू किया था तो क्या पहले महीने में दुकान का भाड़ा है या कामगार का पगार, क्या आपको जब से भरना पड़ा? जब से आज तक मैंने जब तक 1 रुपये नहीं भरा। 1 रुपये भी नहीं भरा? तो पहले महीने में कितना धंधा हुआ था? पहले मैंने अभी जब खुद का गैरेज डाला। अच्छा, तब इधर का जब काम चालू था दुकान का, तब मैं बाहर काम करता था। अच्छा, बाहर काम करते? काम चालू था मेरा, फोन पे सब कांटेक्ट था ना गाड़ी वाले के पास। तो पहले महीने से ही आप पैसा कमा रहे हो, मतलब लॉस में? अभी 8-9 महीना हो गया, मैं दुकान एक दिन में बंद नहीं। 9 महीने में आपने एक दिन भी छुट्टी रखी? एक छुट्टी नहीं, कंटिन्यू काम, कंटिन्यू चालू है। और अभी जब एक दिन में दुकान बंद गया तो 10 से 12 हज़ार तक लॉस हो जाता है दुकान का। सर, अभी आपने ऑयल का ड्रम वगैरह लिया है तो ये कितने दिन जाता है एक ड्रम? एक ड्रम 15 दिन जाता है। 15 दिन में खत्म होता है? 1 महीने को 2 लगते हैं। 1 महीने को 2 लगते हैं। तो 210 लीटर का ड्रम जो है वो महीने में 2 लगता है? 2 लगता है। तो जैसा खत्म होता है तो उतना काला ऑयल भी भर जाता है उसमें? हाँ, उसमें। तो मतलब 15-16 हज़ार रुपये तो आपको ऑयल का ही पैसा मिल रहा है उसमें? दुकान पर झाड़ा भाड़ा जाता है ना उसमें, तो सिर्फ ऑयल के पैसे में दुकान का भाड़ा जाता है। जैसे सब काम करे 7 लड़के। बराबर। तो एक गाड़ी को उसमें, एक गाड़ी में पकड़ छूटता है दिन का, एक गाड़ी आए तो, एक गाड़ी आए तो दिन का पगार छूटता है। अभी कामगार को लगभग कितना पैसा पगार देना पड़ता है? पगार अभी उसका 50,000 है। 50,000 महीने का, सब लोगों का? सब लोगों का मिला है। बराबर। अभी इसमें कोई पड़ता नहीं, इसमें ये धंधे पे, ये धंधे में कोई पड़ता नहीं। क्यों पड़ता नहीं? उसको लगता है ना ज़्यादा इसमें क्या करें, काम करने का, टायर वेयर नहीं खोलने का, ज़्यादा कपड़ा विपड़ा अच्छा पहन के किधर भी घूमने का। लोगों को एसी में बैठ के काम चाहिए, लोगों को हाथ काला नहीं करना चाहिए, नहीं करने का। सर, अभी देखा आपका गैरेज जो है सिटी से काफ़ी बाहर है, शहर से 2-3 किलोमीटर दूर है, फिर भी आपका इतना गैरेज चल रहा है, तो वही? नहीं, मैंने खुद बाहर डाला है। आपने खुद बाहर डाला? बाहर डाला है खुद। क्यों बाहर? क्योंकि उधर क्या होता है मालूम, अपन शाम को काम करेंगे, आजू बाजू को लोगों को दिक्कत होगी, आवाज़ भी आवाज़। अच्छा। मशीन का आवाज़, गाड़ी का आवाज़। बराबर। इसकी वजह से अपन बाहर डाला है दुकान, सासुड़ से बाहर। एक बार काम किया ना तो आदमी किधर जाता नहीं। अच्छा, ऐसा सर अपना। तो आपने जब नौकरी छोड़ा 1 साल पहले तो आपका जो मालिक था वो बोला नहीं कि इधर ही रुक जा, तेरे को पगार बढ़ा? अभी उधर मेरे को 25,000 पगार था। अच्छा, 25,000 पगार था? 25,000 पगार था मेरे को। पर आपको खुद का ही बिजनेस करना था? खुद का ही था। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी डिटेल में जानकारी दी। दोस्तों, सर ने आपको इतना डिटेल में समझाया, इतनी डिटेल में जानकारी दी, पूरा गैरेज दिखाया। कमेंट सेक्शन में थैंक यू बनता है सर के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी जो भी फरमाइश है किसी वीडियो के रिगार्डिंग, किसी और टॉपिक के बारे में, वो मैं पूरी करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं किस बिज़नेस के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।